चाचू 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 मुझे ना फीलिंग आती है पक्की वाली कि वो भी ना आज तक आपके इंतजार में बैठी हुई है। हाँ, और मैं कुछ भी करके ना आपको आपकी गुमशुदा मोहब्बत से मिला कर रहूंगी। अच्छा जी, कंफर्म जी, थैंक यू। और ये काम आप कैसे सर अंजाम देंगी? इसकी गुमशुदा मोहब्बत को किडनैप करके? ताबी, तुमने बताया ना पप्पू को? ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी बेवकूफियों का ऐलान करने का। तुमने मेरी लाइफ की तो बैंड बजा दी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फंसा सकता। तुमने बताया? सॉरी, तुम्हारे साथ ना मैंने हमदर्दी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बात ना करना मुझसे। मैंने कुछ भी नहीं किया। पेट से बहुत हल्के निकले थे। कुछ नहीं बोला यार। अच्छा, नहीं बताया? उसकी बहन लग रही है तो फिर वैसे। मम्मी, मुझे 25,000 दे देना प्लीज। ओए मेरी शहजादी को 25,000 रुपए चाहिए हैं? तुझे एक चन्ना मारूं मैं? तेरा बाप मुझे गिन गिन के पैसे देता है और तुझे 25,000 चाहिए? नहीं नहीं तो मम्मी, मुझे सब पता है। ना क्या पता है तुझे? है बता ना जरा, प्यो की चमची ना हो तो। अच्छा ना मम्मी, बाद में बताऊंगी, अभी मुझे बाल डाई कराने हैं, मैंने सबसे यूनिक लगना। ओ हाय, तू हर 2 महीने बाद ये बाल डाई कराती है? तूने गंजी हो जाना है। हाँ पर ठीक है, यूनिक तो लगेगी। तू देखी जाएगी ना मम्मी। Assalamualaikum, my dear family. क्या हो गया? हाँ हाँ, अजलान आ गया है, देख रहा है, नैनी हो गए हम। Assalamualaikum मामी। अजलान साहब, ये जो चुप चुप पीते आप आए हैं, हमें भी इतला दे देते। ताकि आप कोरमे की जगह दाल बना लेती। वैसे बड़े ही ना तुम। बदले हाज हो गया हूँ, यही कहना चाह रही थी ना। दिल की बात समझने लगे हो तुम। अजलान, हाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आ गए तुम आखिरकार, कितने प्यारे हो गए हो। वैसे वीडियो कॉल में तो इतने नहीं चमकते। अच्छा, मकार लोमड़, शादी करके आया हो अल्लाह। माशाल्लाह, बोले ना फूफो जी, इनका खून वैसे भी थोड़ा हल्का है। अच्छा, तुम कैसी हो चुड़ैल? आपके मुंह से तो ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा। वैसे आप भी किसी हैंडसम जिन से कम नहीं है। ओह, और मैं अपनी फ्रेंड्स को तो इतला करूं कि आप आ गए। हाँ हाँ, एक काम कर बेटा, इधर से टिकट भी लगा दे हैं, जो पैसे आए ना उससे ये बॉल डॉय करा दे। मम्मी जी, खैर ये सब छोड़ो, इधर आओ। अब ये बताओ कि पढ़ाई कम्प्लीट करके वापस तो नहीं जाओगे? नहीं, क्यों नहीं जाएगा? मुझे वैसे यूके में रहने का बहुत शौक है, सुन लिया ना अजलान? और मैं यहाँ पे तो नहीं रहने वाली। ओ अच्छा, तो आप यूके जाना चाहती हैं? तो जाइए ना, किसने मना किया आपको? बहुत अच्छी जगह है, अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बता, क्योंकि अब मैं अपनी प्यारी खाला को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने वो बाल डाई कराने जाना था ना? जाओ, आइए ना खाला, बैठिए मेरे साथ। पागल है, उसको इग्नोर कर। पैसे? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। पक्की मुझसे नाराज हो गई है, बात करने को भी मना कर दिया। कैसे मनाऊंगी? आइडिया, इसके फेवरेट हीरोज कब काम आएंगे? आओ अजलान, मेरा पुत्र, मेरा प्यारा। अगर आपकी तबीयत पे गरा ना गुजरे तो एक काम तो करो पुत्र। अरे मामू, गल दसो। अब मुझे ना अपने दोस्त के पुत्र के ब्याह के लिए ना शहर से बाहर जाना है। आप जरा ऐसे ही टहलते टहलते मैरिज हॉल के चक्कर लगा। नहीं 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 मामू जी, पेट भरा हुआ है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही।
पुत्र वहां जाके कौन सी देगी डकारनी है, सिर्फ चक्कर ही लगाना है। आप शायद भूल रहे हो, आपके यतीम बचपन की महरूमियों को दूर करने के लिए मैंने दिन रात एक किया है, लाखों रुपए लुटाए मैंने, लाखों रुपए हैं। आपके इस अजीम मामू ने उफ तक नहीं की। अभी आपका फर्ज बनता है कि आप इस अजीम मामू की खिदमत और इताअत में इंतहा कर दो। ना जब मैंने कह दिया है कि मैंने 10,000 नहीं देने, सलामी तो नहीं देनी बस। और ये मेरी इज्जत का सवाल है, सलामी इतनी जाएगी ना? कौन सी इज्जत है ये जो तुम्हारा भांजा है जिसपे तुमने एहसानात की टोकरे उल्टाए हैं, जब ये तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो और कौन करेगा? पुत्र वो मैरिज हॉल का चक्कर लगा लेना, वो भी मेरी इज्जत का सवाल है। दावेदार, हद हो गई है, इस घर में तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। मामी जी आप एक काम करो ना, आप ना महके चली जाओ, घर की फिक्र ना करें, आप मैं हूं ना संभाल लूंगा। तू तो चाहता ही यही है कि मैं ये कार छोड़ दूं और तू इस पे कब्जा कर ले, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी पुत्र जी। हाँ, और एक बात कान खोल के सुन ले, हनी से तेरी शादी होगी ना तो तू इस घर का कर दमाद होएगा। हाँ, और तेरी ना टके की इज्जत नहीं होगी, ये बात याद रखना। हाय मेरी मासूम मामी, अब मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि इनकी बातों का बुरा मान जाऊं। क्यों बदलते हैं राहें, जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया झूम झूम गाए। अरे ताबी देख, क्या एक्टिंग बाद में करना, कौन है गुलाबो? मुर्तजा पसंद है? है पसंद है? है सदका रह गया भाई।
रास्ता तो नहीं भूल गया, बाहर जाके देखते। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो ये एड्रेस बता सकते हैं आप? तुम वही चोर हो ना, उस दिन बच के भाग गए थे, आज ही बचोगे? कितना भी पकड़ो इसको। मैं तो देखी पहली बार तारी आपको। चुप, तुम इसको पकड़ो, मैं लोगों को जमा कर। आप मेरी बात सुने, ये चोर है, इसका साथ ना दो, पब्लिक आपका भी लिहाज करेगी। इधर आ जाओ, ये मेरा कजन है, जाओ यहाँ से, बोलो ना, जाओ। इस तरह के लोग हैं भाई, तुमसे मिलने आया था, इनके घर पे गलती से चला गया, बोला भाई एड्रेस बता दो, एड्रेस तो पता नहीं कूटा है, मिलके पागलों ने पागल की क्या? झूठ बोल रहा है ये। और ये देखो, ये गन, इसका बताओ। अबे ये गन नकली है भाई, नकली है, असली नहीं है। वो तो मेरा बच्चा रो रहा था, मैं उसकी गन में सेल नहीं थे, मैंने कहा बाजी से मिलने जा रहा हूँ तो सेल भी डलवा लूंगा भाई, लेकिन तुम पागलों ने मिलकर मेरी सेल फुस कर दिए। हद होती है, इंसान किसी को कूटने से पहले तसल्ली तो कर लेता है। तसल्ली से तो कूटा है, जिसका दिल किया कूटा है, जहाँ जहाँ दिल किया कूटा है, कूट दिया बस। देखिए वो आजकल के हालात ऐसे है ना, एक्शन लेना पड़ता है, और अपने रिश्तेदार को बोले कि हीरो बन के गन लेके फिरना बंद करे। और वैसे भी हमने थोड़ी मारा, ये आम आवाम ने मारा है, पब्लिक फाइट थी, चलो आ जाओ। इतना शौक की लगी है मुझे, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं ताबी, और मुझे गुस्सा आया है, गुस्सा आ जाए ना तो किसी का सर भी फोड़ देती होती हूँ। छोड़ो, अंदर चलो, शौक की लगी है। अबे चलो असद, चलो मैं तुम्हारी। नहीं, ये बताओगे किन पागलों के बराबर में झगड़े लिए तुमने? ये वाकई पागल है, कितने रह गए पहलवान? लो बहुत अच्छे जी, तुसी इतने बैठे गेम खेल रहे हो है, ते मेरी गल नहीं सुन रहे। मैं तानु कह रही आज बर्थडे कर लो, मंगनी बादच कर लेना। क्यों, आज क्या मसला करने में? खुदा दा खौफ करो, रिश्तेदारी बिरादरी खानदान दा मामला, मंगनी कोई छोटी शह, सारे साडा बायकॉट कर देंगे। ओ हसीना जी, बायकॉट हमेशा गरीब रिश्तेदारों का किया जाता है, और तुम भूल रही हो के चौधरी नफीस पहलवान खानदान का सबसे अमीर बंदा है। अब मंगनी क्या, मैं तुम्हारे चवल रिश्तेदारों को शादी पे भी ना बुलाऊ ना, फिर भी उन्हें नाराज नहीं होना। मैं हेलो जी, मेहमान आ गए। आ जाओ पुत्री, आ जाओ। कैसे हो सब, ठीक ठाक हो? तो पुत्री, इस अहम मौके पे जो हमने खाना बनवाया ना, लाखों रुपए लगा है उस पे है, और ये जो सारी डेकोरेशन आप देख रहे हो इस पे भी हजारों रुपए लगा है। ले हजारों, 70,000। 70,000, और ये सारा पैसा मेरी अपनी कमाई का है, किसी रिश्तेदार की जायदाद से कम से नहीं किए। मम्मी डैडी, मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी हैं, सब मेरे लिए सेपरेट प्रेजेंट लाए हैं, अब आपने और मम्मी जी ने सेपरेट एक एक गिफ्ट देना मुझे। क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं, एक एक क्या दो दो गिफ्ट देंगे, पैसे की कमी है? इतना कमाया हुआ पैसा है अपना, किसी रिश्तेदार की जायदाद पे कब्जे थोड़ी की है। चलो जी चलो, बैठे चले, अंदर चले। ओ बस कर दे, केक भी कटन दे, चलो आ जाओ बैठे, चलो आ। बड़ा केक मंगवाया है, चलो बड़ा केक, अपनी कमाई से। पुत्री बस अजलान का तो इंतजार है, बाकी तो सारा सेटअप तैयार है, और सरप्राइज वो भी तैयार है। भी करना कर, मैं अपनी दोस्तों को बताती हूँ। अजलान यार कहाँ रह गया, और तेरा मामा और तेरा सरप्राइज दोनों तेरा इंतजार कर रहे हैं। सरप्राइज, देखिए इधर क्या, ये क्या लाइट चली गई? हेलो म्यूजिक।
आना पिया। इनको तो आप पहचानते होंगे, ये वो शख्सियत है जिनको मेरा भांजा होने का शर्फ हासिल है। अब ये बात तो मामू जान ये प्यारे लोग बताएंगे ना, अब शर्फ किसको हासिल है आप बताएं? मुझे केन है। Yes? मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट तो जरूरी है, बनता है। और वो वाला गिफ्ट जो तुमने मुझसे जबरदस्ती मंगवाया था? Wait. एक और गिफ्ट है तुम्हारे। Again? अज़लान, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लाओगे। Please open. आपके लिए एक बेहद कीमती तोहफा। इसको पढ़ो। तोहफा पसंद ना आए तो तब भी रख लेना। चलो। इसमें का चूरन। यस। दिमाग साफ करने का चूर्ण। यस। अज़लान। अब उतर, ये क्या अजीब सा मजाक है? अरे ये मजाक छोड़िए। अज़लान, दिल तो करते कि सारे चूर्ण तुझे खिला के तेरा पेट और दिल दिमाग साफ कर दूं मैं। ऐसा नहीं कहते मम्मी जान, बुढ़ापा आ जाता है। और ये तो बड़ी यूजफुल चीज है। अब आप सबको पता है कि हनी को खाने का कितना शौक है, राइट मामू जान? है कि नहीं? है ना? तो बस इस चूर्ण से हनी की जिंदगी बेहद आसान होने वाली है। अब ये चाहे कि पूरा का पूरा बकरा क्यों ना खा ले, 2 मिनट में इसको पानी कर देगा ये। हाँ, और हनी की जिंदगी आसान होगी। पहले खोल कर खाती थी, अब खेल खिला कर खाएगी और फिर मजा ही मजा। भगवान जी, मैं तो कहनी हूँ तुझे भी ट्राई करो। चुप। अज़लान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? नाराज हो रही हो आप? चले कोई बात नहीं, आप सब हमारे मेहमान हैं, इतनी दूर से आए हैं, अपनी अपनी प्लेटें उठाएं, अपना अपना केक खाएं और अपने अपने घर को रवाना हो जाएं। क्यों? क्योंकि बर्थडे गर्ल का मुंह खराब हो गया है और आज की मम्मी कैंसर। हनी, अरे गल तो सुनो। हनी, अरे मामू जान कितने, अरे कितने। मैंने आपसे कह दिया है, मैं किसी भी एक्स वाई जेड लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो फिर किससे शादी करोगे तुम? वो लड़की रानिया है। अपने दिल से रानिया का ख्याल निकाल दो। जिस्म से जान तो निकल सकती है अम्मी, लेकिन मेरे दिल से रानिया कभी नहीं जाएगी। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, जिसे चाहा उसे हासिल करके भी ना पा सकी। तुम ना अपना ऑफिस संभालो और हमजा को फ्री कर दो और उसे अपना घर संभालने दो। इतना जलील किया मुझे अज़लान ने, इतना जलील। सारे करे थे ओ, कभी नहीं भूलेंगी। मुझे पता है कौन अपनी होने वाली मंगेतर को चूर्ण का डब्बा देता है, और अगर देना ही था तो थोड़ा सा देता, इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी। और मंगनी भी,
होते होते रह गई। बहुत चंगा होया तेरे नाल है, मुझे टट टट कर दी रहती हर वेले। और कर जिदा कर जाके अपने कजन खूबरू दे नाल मंगनी। मैं तेनू पहले ही कहा सी जिन्ना जमीन दे उत्ते हैगा ना डबल ओ जमीन दे थल्ले हैगा, पर मेरी ते कोई सुनदा ही नहीं इस घर च। डैडी जी मैं तो कहती हूँ कि उसे पकड़ ले और उसका भी चूरन बना दे। ओ पुत्री अभी ना मेरा भेजा जो है ना वो खोल रहा है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है, अभी बात नहीं होती मुझसे। हाँ जी हाँ, पैन ते पांजे दे अगे तोड़ी जबान नहीं चलती, सारी जबान चलती है या मेरे अगे या मेरे पेके वाले दे अगे। और तेरे पेके वालों को कब मैंने बेइज्जत किया है, जबकि अच्छी तरह पता है मुझे उनमें से कोई इज्जत के काबिल है नहीं। हाँ जी इज्जत के काबिल तो तोड़ा है पांजा है ना जिन्हें सब के सामने साड़ी वाह-वाह बिस्ती की है। ओ हनी पुत्रे फिकर ना कर, गोल्डन वर्ड्स है, जितने मेहमानों के सामने उसने तुझे शर्मिंदा किया ना उससे दुगने के सामने तेरे से माफी मांगेगा वो। गल सुनो मेरी, जेड़ा काम है ना करण वाला ओ करो, ओनु जाओ ते करो बाहर कड्डो, ओनु कह दियो ए चलाकियां साडे अगे नहीं चलनगियां। हां मेरे पेके वाले दे कोल बड़े रिश्ते हैगे ने, मैं करा देंगी एदी शादियां। ओए अपने कीमती वचन ना अपने पास रख और अपने मेके वालों की तो बात ही ना करना, एक से एक कंगला भरा पड़ा खानदान और इस पे ना मेरे लाखों रुपए लगे हुए हैं और जब तक एक एक पाई वसूल ना कर लू ना मैं नहीं छड़ने वाला। ओ सही गल है, उल्टा ने तानू ना पाई पाई दा मोहताज कर देना जे पूरा तोड़ी मां ते गया। हां ओए अमी मेरी गल सुन, ए जिद नु ना छोड़ दे, मेरे पेके च बड़े रिश्ते ने उथे करावांगी शादी मेरी। ठीक कह रही है तेरी मां, इन्हें छड़ दे और वो जो आता है ना उल्लू नवाब या फिर वो जो आता है लगड़ बगड़ से राज, उनमें से किसी से शादी कर ले। दोनों तेरी माँ के भांजी है, तेरी माँ की तरह ही है। एक मिनट तुसी मेनू लंगूर कह रहे हो? नहीं लगड़ बगड़। ओ, मैं अब ना रोना रो रही हूँ और आप दोनों एक दूसरे को लगड़ बगड़ कह रहे हैं। अब मेरी पुत्री मेरी आंखों की रोशनी मेरी जान का टोटा बस कर जा। एक सेकंड तुसी मेनू लगड़ बगड़ कह रहे हो? तेरा सेकंड पूरा हो गया। ना जी किथे चले हो? दादी ये मेरा केक है। अच्छा ले खा ले, ये मेरा बर्गर है। अच्छा डैडी चाहे गम से भूखा मर जाए। हट अच्छा दो जी ये कुड़ी का बर्गर हो, ये मैं मर गई तेरा मैं आएंगे। ओ बस कर दे की ना ना पुत्र बस कर, की हो गया तेनू पागल हो गई है छड़। मुझे याद नहीं आ रहा। अब आगे क्या सोचा है अजलान? बस यही पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ और साथ में आइसक्रीम भी आपके लिए करूँ। अरे आनी इतना इम्पोर्टेंट काम करा गया है। हाँ मुझे नजर आ रहा है, सीधा सवाल किया है, सीधा जवाब क्यों नहीं देते? और क्या सवाल किया है आपने? अजलान साहब अब जब आप पाकिस्तान तशरीफ ले आए हैं तो मुझे आगे का इरादा भी बता दें, या फिर आपको भाई का मैरिज हॉल संभालना है और हनी से शादी करनी है और भाभी के शहर में डूबे हुए ताने पूरी जिंदगी सुनने, अगर यही सब करना था तो यूके में ही शादी कर लेते। आनी आपको मेरे लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं कोई मशरी की लड़की तो हूं नहीं जिसने जब चाहा जैसे चाहा किसी खूंटे से बांध दी। अरे 6 फीट का गबरू जवान यूके रिटर्न लड़का हूं मैं, इतनी आसानी से किसी के काबू में नहीं आऊंगा। ऐसे अजलान जी आप भाई जी को नहीं जानते, बहुत अकड़ है उनमें, इस घर में वही होता है जो भाई जी सोचते हैं। और खाला जी मैं आपकी तरह भी नहीं हूं कि इतनी आसानी से किसी की धौंस में आ जाऊंगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं शहर में आया था सिर्फ आपसे मिलने के लिए, 2-4 रोज में वापस चला जाऊंगा। वहां कराची में मेरे दोस्त के फादर का बिजनेस है, एक अच्छी पोजीशन ऑफर की है उन्होंने मुझे, थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करूंगा फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और बहुत जल्द आपको वापस कराची ले जाऊंगा। कराची? कराची अब मैं कराची नहीं जा सकती हूँ। क्यों? किसी से उधार लेके भागी है? नहीं कराची में ना वो रहते हैं। होता यार खाना हद होती है यार, बस भी करें अब तो उनकी उम्र भी होगी होगी कि उनके बच्चे स्कूल जाते होंगे।
आप वहीं पे बसी हुई। आप फिक्र क्यों करती हैं? मैंने आपके लिए एक बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग रिश्ता ढूंढा। नहीं अजलान, मेरे ख्वाब तो सिर्फ उन्हीं से शुरू होके उन्हीं पे खत्म होते हैं। और जब तक तुम्हारे दिल में मोहब्बत की आग नहीं जागेगी तो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। मोहब्बत तुमने मुझसे फोन पे कोई बात की थी? मैंने क्या बात की थी? अब बनो मत और सच सच बताओ कि वो कौन है। बता दूं सच सच? तो फिर सुनिए, वो एक किडनैपर है, साथ में छोटे मोटे और भी हुनर जानती है। इससे ज्यादा नहीं जानता। अज़लान क्या किडनैपर? क्या बात कर रहे हो? वापस आओ। मामा, इन फूल पौधों का कोई फायदा तो है नहीं, मैं तो कहता हूँ उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं इन्हें। हाँ, क्या फायदा है इनका भला? ना ये अंडे देते हैं और ना दूध, है ना? जब भी बात करोगे ना तभी को बोंगी मारोगे। काम करो चुप करके, इन फूल पौधों की वजह से रौनक होती है घर में। बेटा, फायदा तो आपका भी नहीं है, तो आपको भी उखाड़ के बाहर फेंक दे। चुपचाप से काम करो, चलो। किसको मेरी याद आ गई, चल ला मुझे दो। अरे तू ना कब से नहीं खेला। हाँ, हेलो, छोड़ो, रुक जाओ भाई, मैं जरा। क्या बात है, क्यों कॉल की है? अब जाहिर है मौसम के हाल पे बात करने के लिए तो फोन किया नहीं आपको मैंने। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा आपका कोई लेना देना नहीं है, प्लीज हमें माफ कर दें। कोई आवारा बदमाश तंग कर रहा है तुम्हें? मेरी बात करो, ऐसे फिक्स करके दूंगा इसको, ऐसे इधर दो जरा। हाँ यही बात है। अबे ऐसे लोगों ने भी मेरी दहशत देखी कहाँ है? दो जरा, सही से दहशत दिखा। हेलो, देखिए भाईजान, वैसे तो हम बहुत शरीफ लोग हैं, मगर गुस्सा गुस्सा आ जाए तो किडनैप भी कर लेते। कौन है आप? आप खालाजान बात कर रही है ना? भाई आपके पर्दे ने मुझे बहुत मुतासिर, हमारी मशरकी खातून को ऐसे ही बावकार होना चाहिए। वैसे मेरे रिश्तेदार और दोस्त पूछ रहे थे कि आखिर मैं गायब कहाँ था, शादी में शिरकत क्यों नहीं की मैंने। उनको बता दो कि दो खवातीन डाकुओं ने मुझे किडनैप कर लिया था। नहीं, खुदा का वास्ता है भाई, ऐसा जुल्म ना कीजिएगा प्लीज। जुल्म तो मेरे साथ हुआ है बच्चा, और बदला तो मैं लेकर आऊंगा, फिर तुम देखना मेरी दहशत। देखिए हम बैठ के बात कर लेते हैं, मेरी बात तो। हेलो हेलो, हट गया। क्या कह रहा था? अमल, वो हमारी इज्जत का फालूदा बनाना चाहता है, बहुत डेंजरस आदमी है ये, बहुत। तुम देखो, तुम इससे बात कर सकती हो, तुम इससे कहो ना कि देखो तुम अगर दूल्हे के दोस्त हो तो तुम भी तो दुल्हन की दोस्त हो ना, रिश्तेदारी तो निकलती है, समझाओ इसको। ताबी, हाँ? सोचो अगर इसने सानिया या उसके दूल्हे को बता दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, और फूफो उस कपल को डिनर पे इनवाइट करने का सोच रही है। क्या? हाँ, अगर पापा के सामने कुछ बात कर दी तो। अमल कुछ सोचो। चलो बेटा काम करो। हाँ, काम करो, करो। काम करो। जी साहब, जी साहब। भाई ये नहीं सही चल रहा। यही आता है तुम्हें अच्छे से, यही करो। ये दरख्तों के बाद में आप भी मार लेना। हाँ बेटा जी, उमर कैद के आगाज में कैसा फील हो रहा है? हाँ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा वो यहीं बैठी हुई है। अरे वाकई तो बात कराना, मेरी भाभी को सलाम ही कर दो। हर किस नहीं, तेरा कुछ भरोसा नहीं है तो कब बकवास कर दे। फिलहाल मैं तुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। ओके, अब कैसी बातें कर रहा है यार? तेरा दोस्त जरूर हूँ लेकिन इतना कमीना भी नहीं। रास को रास रखना जानता हूँ मैं,
तेरे पिछले अफेयर के बारे में नहीं बताऊंगा भाभी। अगर मेरा बस चले ना तो तुझसे कतई ताल्लुक कर लूंगा, लेकिन क्या करूं, मेरे डैड को तुमसे जो मिलना है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि ज्वाइनिंग कब से दे रहे हो जनाब? अरे यार अंकल को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। सोचा तो मैंने भी यही था कि एक्सपीरियंस के लिए ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा अंकल का, लेकिन फिर मेरी खाला से बात हुई और खाला ने कहा कि बेटा अपना बिजनेस शुरू करो, छोटा मोटा ही सही लेकिन अपना होना चाहिए। अब भाई छोटा मोटा क्यों, जब करेंगे ब्रो तो कुछ बड़ा करेंगे। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि तब तक के लिए तुम्हें डैड को ज्वाइन करना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर एक डेढ़ साल में जब मैं वापस आऊंगा तो कुछ करेंगे ना मिलके बड़ा। हाँ ठीक है, ये तो सारी बात की बातें हैं। ये बता के हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? हाँ हनीमून, सोचा था कि यूके जाऊंगा तो वापसी में मैं यूरोप का ट्रिप कर लूंगा। लेकिन तुम तो जानते हो ना यहाँ के रस्म रिवाजों को, खानदान को, दोस्तों यारों को, 10 पाउंड वजन गेन कर लिया है मैंने। अब ये तो पाकिस्तान का हसीन कल्चर है ना, वहाँ यूके में तो कोई चाय की प्याली तक नहीं पूछता कंबख्त। फिलहाल तो मैंने ये प्लान किया है कि हम दोनों थाईलैंड जाएंगे कुछ दिनों के लिए। ओ तो जनाब थाईलैंड जा रहे हैं? वाह भाई, आप थाईलैंड जाइए, मैं कराची आ रहा हूँ, वापस आते हो तो मुलाकात होगी। ठीक है लेकिन जब तक के लिए अपना ख्याल रखना ब्रो, बाय। ये चोरों का गुलाम बन गया मिस। किसका, अजलान का फोन था? हाँ अजलान की कॉल थी और तुम्हारे बारे में बहुत पूछा था। अच्छा बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, यू लुकिंग गॉर्जियस। बस दुपट्टा सेट करना। आई थिंक ये अगर हम थोड़ा सा सेट करते हैं दुपट्टा, ये परफेक्ट। आप चलें? हाँ लेट्स गो। हम मरे तेरे दुश्मन, जिंदा हूँ मैं। अंग अंग हिल गया मेरा, अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। तानू किन्ने क्या सी, तुसी मरी जाओ माल रोड ते जाओ ते फिर बारिश ना आओ, शुक्र करो कोई हड्डी पसली नहीं टूट गई, वरना नया स्यापा पै जाना सी। अल्लाह का शुक्र है। अजलान पुत्र बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे लगता है मेरा ना आखिरी वक्त आ गया। चार छींके मारने से कोई मर नहीं जाता पहलवान जी, की हो गया तानू? नहीं कल तक तो सही थे, अभी क्यों लंबे पै गए? मरी गए सर, उते बारिश हो रही सी माल रोड ते भंगड़े पा रहे से, ऐही होना सी ना। और तेरे भाइयों से भंगड़ा तो दूर की बात, बैठ के ना सॉन्ग पर कमर भी नहीं हिलाई जाती। हाँ जी जाहिर है, उन्हां दा एक कम नहीं हैगा ना, असी खानदानी लोग होने आ, ते खबरदार मेरे भरा ली कोई गलत कीती ना मैं छड्डांगी नहीं आ। सीधी मैं के चली जाएंगी, पलट के देखेंगी नहीं वापस, और पीछे क्या रह जाएगा? तन्हाई ते नुसरत, अमन ते शांति। मुंडे मेरी बात सुन, और डिफेंस वाले मैरिज हॉल पे जाके चक्कर लगा के आ, वहाँ का मैनेजर जो है ना वो तेरी मामी का रिश्तेदार है, टके का भरोसा नहीं है मुझे उस पे। तू जाके ना सारे ऑर्डर अपनी निगरानी में ले, और एक बात का ख्याल रखना, ऑर्डर लेते वक्त उनको इस बात पे कन्वेंस करना है कि वो मेन्यू में कोफ्ते और फिरनी जरूर रखे। नहीं 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 नहीं, कुन्ना करवाना। हाँ मेरी बहनों ने कब से कहा है कुन्ने के लिए? और पहले मेरे दोस्तों की कोफ्ते और फिरनी तो हो जाने दे, फिर कुन्ने, तेरे कुन्ने। अच्छा ठीक है, कुन्नों पे भी कन्वेंस कर लेना, बाहर से पढ़ के आया तू, इतना तो काम आता ही होगा तुझे। है यानी कि पेमेंट वो लोग करेंगे और कुन्ने फिरनी आप लोग ये दोस्त एंजॉय करेंगे। ये बात देख, और कितना समझदार कर दिया मैंने इसको। हैं बिल्कुल ऐसे ही है पुत्र, बड़ा फायदा इस काम में, जेब का भी और पेट का भी। मैंने तो सोच लिया कि इस काम में तुझे अपना कायम मकाम बनाऊंगा, वैसे तू बंदा तो आईटी का है पर ये वाला काम भी मैंने सिखा देना है तुझे। हैं अब ऐसी रोनी सी सूरत क्यों बना के खड़ा है? अच्छा ठीक है, अपनी आईटी की जो डिग्री है ना वो फ्रेम करा के ऑफिस में लगा लेना, और जहाँ इतने एहसान किए हैं एक एहसान और सही, और अब तो वैसे भी तू 2-in-1 है जी। मतलब? मतलब भांजा तो था ही, अब तो होने वाला दमाद भी है इंशाल्लाह। चलता हूँ। मुझे हल्दी में दूध मिला के दे दे। दूध में हल्दी ना मिला के दे दूँ? और किसी में कुछ मिला बस दे दे। चलो उठ जाओ, चला गया, हो गया सारा ट्रक। अच्छा चलो फिर ठीक है, ये तो सही हो गया।
है दूध मेरा। हाँ ना पी लूँ दूध की हो गया। चलो तो चीटिंग करके मजा आया आज। हनीमून से वापसी पर आ जाए क्या, लंदन चले जाएंगे फिर? लो भाई ये तो अजीब ही बात हो गई। चलो ठीक है क्या कर सकते हैं। हाँ चलो खुदा हाफिज। किससे बात कर रही हैं आप? मैं तो डिनर पर इनवाइट कर रही थी सानिया और उसके दूल्हा को, मगर वो तो हनीमून पर जा रहे हैं, आ ही नहीं सकेंगे अब। माशाल्लाह वो बताबी सुना तुमने, हनीमून पर जा रहे हैं मतलब यहाँ नहीं आएंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल ये गार्डन गार्डन हो गया सुनकर। बस सावन के अंधे को हरा हरा ही सोचता है, तुम्हारा दिल क्यों गार्डन गार्डन हो रहा है? तुम्हें साथ ही लेकर जा रहे हो हनीमून पर? वो आप नहीं समझेंगे, तभी तो मूड ऑफ नहीं करो, चल मुझे यहाँ पे फोन करो। देखो आज मैं तुमसे आउट होगी, वैसे मैं जिंदगी में कभी किसी क्या और कुछ समझ आए ना आए मुझे, मगर तुम्हारी मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। आगे आगे चलती हो, पीछे पीछे बातें करती हो, भाईजान को कहकर ना तुम्हारे सर के पीछे वो रेयर लाइट आंखें लगवानी पड़ेंगी, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। है? चलो वो पीपे चली गई। ताबी मेरी आंखों के सामने तारे नाच रहे हैं। तो हनीमून की खुशी में नाच रहे ना, मेरा मतलब कि क्यों नाच रहे हैं तारे, आओ मिलके सोच लेते हैं कुछ। आजो आजो आजो। देखो अल्लाह अपने मासूम बंदों की मदद इसी तरह करता है। देखो वो लोग डिनर पे नहीं आ रहे और हम बच गए। तुम बचे होगे, मेरा तो सर फट गया। तब ना शुक्र अदा नहीं करना, चलो चलो। देखो चले है, चले है, चले है, चले है, चले है, दुनिया ये मेरी।